मरीज लेकर आए परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया, साथ ही अस्पताल में गाली गलौज भी करने लगे। वही हंगामा कर रहे लोगों को सुरक्षा गार्ड ने कमरे में बंद कर जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वही घटना का वीडियो भी अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि परिजन मरीज के लिए बाहर से ब्लड लेकर आए थे, जिस पर डॉक्टर ब्लड चढ़ाने की बजाय दूसरी जगह से लाने पर नाराजगी जता रहे थे। डॉक्टरों को के जरिए ब्लड चढ़ाने से इनकार करने पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में अलवास टोल टैक्स प्लाजा पर तोड़फोड़ और मारपीट का मामला सामने आया है, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने टोल कर्मियों की पिटाई कर दी। पुलिस की माने तो टोल कर्मी ने वाहन चालक से टोल की मांग की थी, लेकिन वाहन चालक ने स्थानीय निवासी होने का दावा कर टोल देने से इनकार कर दिया, लेकिन वाहन चालक का आईडी कार्ड नहीं दिखा पाया। थोड़ी देर बाद वो ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचा और टोल कर्मियों की पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। उसका जो चालक था वो टोल ना देने पड़ा हुआ था कि मैं ग्राम अलवासा पास का ही रहने वाला हूँ, जो कि उसके 3 किलोमीटर परिधि में आता है। चालक के द्वारा कोई आईडी नहीं दिखाई गई और उस पर जो भी कर्मचारी था उसने गाड़ी को नहीं जाने दिया। कुछ टाइम बाद में वो जो वाहन चालक था वो अपने साथियों के साथ में आया और टोल नाके पर तोड़फोड़ की और जो कर्मचारी है अक्षय सागर उनके साथ मारपीट भी की है। उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है 10 लोगों के खिलाफ और इसमें जांच की जा रही है। उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के पट्टाभिषेक का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। नव नियुक्त शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति पर पूरी पीठ के शंकराचार्य के सवाल उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक के कार्यक्रम पर अगले आदेश तक रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। 18 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक के निर्देश पूरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य के द्वारा दायर किए गए हलफनामे पर दी है। हलफनामे में कहा गया है कि पूरी पीठ नियुक्ति का समर्थन नहीं करता है, जिस पर पीठ ने प्रार्थना खंड के संदर्भ में इस आवेदन की अनुमति दी है। आपको बता दें कि शंकराचार्य की नियुक्ति के नियम के मुताबिक आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों पीठ में शंकराचार्य की नियुक्ति के लिए अन्य पीठों के मौजूदा शंकराचार्य की मंजूरी जरूरी होती है। ऐसे में पूरी पीठ के शंकराचार्य की मंजूरी नहीं मिलने से अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति संशय के बादल मंडरा रहे हैं। खरगोन में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग थाना क्षेत्रों से जब्त की गई लाखों की अवैध शराब को प्रशासन ने डाबरिया फालिया स्थित क्रेंचिंग ग्राउंड परिसर में नष्ट कर दिया। ट्रक से लाई गई करोड़ों की शराब की बोतलों पर रोलर चलाया गया। बताया जा रहा है कि शराब कई साल से जब्त की गई थी, जो कि कलेक्टर के निगरानी में गठित टीम के जरिए नष्ट कर दी गई। खरगोन जिले में आबकारी और पुलिस के कुल 453 प्रकरण ऐसे जो कि 15 से 18 वर्ष पुराने हैं, न्यायालय में जिनका निर्णय हो चुका है और अपील अवधि बीत चुकी है, ऐसे प्रकरणों का कलेक्टर महोदय द्वारा गठित समिति के सामने नष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है और इनमें लगभग 453 प्रकरण हैं और 33,000 के लगभग मदिरा है, लीटर मदिरा है, और जिसका बाजार मूल्य आज की तारीख में 90 लाख रुपए के लगभग है, उनका नष्टीकरण यहाँ पे किया जा रहा है। मंदसौर में एक बड़ा हादसा टल